नेहा आदित्य की शादी पर उदित नारायण का खुलासा, टूट जाएगा फैंस का दिल। नेहा कक्कड़ और आदित्य नारायण की शादी की खबरों से पूरा सोशल मीडिया पट्टा पड़ा है। दोनों के फैंस इस खास लम्हे का इंतजार कर रहे हैं। कुछ समय पहले नेहा के भाई टोनी कक्कड़ ने एक वीडियो रिलीज कर बताया था कि 14 फरवरी को नेहा और आदित्य की शादी होगी। शादी में अब महज 3 दिन बचे हैं, लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर आई है जिसे जानकर फैंस का दिल टूट जाएगा। नेहा कक्कड़ और आदित्य नारायण की शादी की खबर झूठी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा, ये दोनों शादी नहीं कर रहे हैं और इस बात का खुलासा आदित्य के पिता उदित नारायण ने एक इंटरव्यू में किया है। उन्होंने कहा है कि ये सब महज इंडियन आइडल 11 की टीआरपी बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि नेहा इस शो की जज हैं और आदित्य एंकर। बॉलीवुड हंगामा को दिए एक इंटरव्यू में उदित नारायण ने कहा, आदित्य हमारा इकलौता बेटा है, हम उसकी शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर उसकी शादी की अफवाह सही होती तो मैं और मेरी पत्नी इस दुनिया में सबसे खुश होते। उदित नारायण ने आगे कहा, अगर कुछ दिनों में आदित्य की शादी हो रही होती तो वह अपने माता पिता को सूचित करता। लिंक अप और शादी की अफवाहें सिर्फ इंडियन आइडल की टीआरपी को बढ़ाने के लिए हैं। नेहा बहुत अच्छी लड़की है, हमें उसे अपनी बहू स्वीकार करने में जरा भी हिचक नहीं होगी। हाल ही में इंडियन आइडल के एक प्रोमो में आदित्य नारायण ने नेहा कक्कड़ को किस करने के बाद कही, वेलेंटाइन वीक को देखते हुए पहले तो नेहा कक्कड़ कहती हैं कि वो कॉलेज नहीं गई, इसलिए वो रोज डे, प्रपोज डे और टैडी डे जैसी चीजें देख नहीं पाई। इसके बाद आदित्य एक टैडी बेयर नेहा कक्कड़ को गिफ्ट करते हैं। आदित्य कहते हैं कि जब आपने 2.5 अक्षर प्यार के पढ़ लिए तो कॉलेज जाकर क्या करेंगे। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता था कि इन 5 दिन में एक किस दे भी आता है। ये सुनकर नेहा कक्कड़ शर्मा जाती हैं।